उनका मैंने जो भी उनसे सीखा है एक माइंड सेट सीखा है कि हमेशा अपना जो भी अपोनेंट है उसको हराने के लिए जाना चाहिए अपना हंड्रेड परसेंट देना चाहिए और वो हमेशा जब भी बात करते तो हमेशा कम बात ही करते हैं वो जैसे टीम मीटिंग भी हो गया वन ऑन वन मीटिंग भी होता था हमारा लखनऊ में तो वो थोड़ी बात करते थे लेकिन पॉइंट बताते थे कि आपको ये करना है बस और वो हमेशा हर प्लेयर को एक एक काम देते थे कि आपको ये काम करना है या आपका रोल प्ले करना है बस आपको इतना टीम के लिए काम करने को देखना है और वो हमेशा टीम कोच है वो हमेशा ये चाहते हैं कि हमारी टीम जीते और हर पर्सन अपना हंड्रेड परसेंट दे हमेशा यहाँ पे हम अलग अलग विकेट पे खेले जैसे फर्स्ट डे फर्स्ट मैच जो खेले थे हम सेम विकेट पे सेकेंड मैच भी खेले तो फर्स्ट मैच में थोड़ा सा अच्छा बाउंस था हो सेकेंड मैच में वही विकेट अच्छा फ्लैट हो चुका था तो यहाँ पे एक अच्छी कंडीशन है क्योंकि ग्राउंड भी ओपन है तो बॉल थोड़ा स्विंग होता है वो दिन दिन का ही मैच है तो कभी कभी विकेट ड्राई भी हो जाता है तो आपको एज अ एज अ बॉलर हर सिचुएशन में बॉल डालना आना चाहिए और मैं अपनी टीम के लिए वही कोशिश करता हूँ कि मुझे जहाँ भी बॉलिंग मिले टीम के लिए विकेट्स लूँ और यहाँ पर बाउंड्रीज भी बड़ी है तो एज अ बॉलर काफ़ी मज़ा आता है बॉल डालने में तो वो इतना चैलेंजिंग यहाँ पे बॉलिंग डालना नहीं है क्योंकि विकेट भी आपके फेवर में हो ग्राउंड की कंडीशन भी आपके फेवर में है हमेशा मैं एज अ बॉलर इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ और कैप्टन को एक फ्री हैंड देता हूँ कि जहाँ भी मुझे बॉलिंग डलाना है वहाँ पर आप बॉलिंग डलाओ और सब कुछ चीज़ें अपने फेवर में लाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि अगर कैप्टन को एक ऐसा बॉलर मिल जाता है जो आपको कहीं भी बॉलिंग डाल के दे पावर प्ले में बीच ओवर में डेथ ओवर में तो कैप्टन के पास ऑप्शन काफ़ी बढ़ जाते हैं और वो मैं ऑप्शन हमेशा सोचता हूँ कि एज़ बॉलर में प्रोवाइड करूँ हमेशा अपनी नई नई चीज़ें लाने की कोशिश करता हूँ जैसे मैंने एक स्लोअर बाउंसर भी डेवलप किया एक लेग कटर जो मैं आउटसाइड ऑफ स्टम्प या वाइड लाइन के पास डालता हूँ तो वो भी मैंने अपना डेवलप किया तो हमेशा मैं अपनी बॉलिंग से सीखने की कोशिश करता हूँ जैसे भी जो कोचेज रहते हैं उनसे मैं सीखने की कोशिश कर सक कर करता हूँ कि मैं अपने गेम में और क्या चीज़ें इम्प्रूव करूँ क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा गेम है जहाँ आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे सब कुछ आता है आप जितने अपनी बॉलिंग में वेरिएशन लाओगे या जितने अपने गेम में आप ऑप्शन ज़्यादा रखोगे एज अ प्लेयर आप उतने ही अच्छा ग्रो भी कर सकते हैं सर मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ टेस्ट क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट को लेके क्योंकि वही एक फॉर्मेट लगता है मुझे कि जहाँ मैं अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ बहुत अच्छे से वो जो कि मैंने अपनी स्टेट टीम के लिए इंडिया ए के लिए या दिलीप देवधर में खेलता हूँ तो वहाँ मैंने अपने आप को प्रूव भी करा है और मैं उसी चांस का वेट कर रहा हूँ क्योंकि टेस्ट क्रिकेट खेलने का एक अलग ही मजा है मेरे को रेड बॉल से काफ़ी पसंद आता है बॉलिंग डालना क्योंकि अपने स्टेट के लिए भी मैं काफ़ी बॉलिंग डालता हूँ बीस बीस पच्चीस पच्चीस ओवर पूरे दिन में डालता हूँ पूरे सीजन में तीन सौ साढ़े तीन सौ ओवर डालता हूँ तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मुझे चांस मिलो मैं इंडिया के लिए भी टेस्ट में अच्छा करूँ सर जैसे विराट भाई ने बोला कि वो जन जनरेशनल बॉलर बौ, है मतलब वो बॉलर जनरेशन में एक ही बात आता है जो कि सच बात है और हम सब भी ये बात मानते हैं क्योंकि उनका बॉलिंग डालने का तरीका भी थोड़ा अलग है और उनका माइंड सेट भी अलग है और उन्होंने मेन तो उनका एग्जीक्यूशन जो बोलते हैं जिस चीज़ के लिए अपन प्रैक्टिस करते हैं और मैंने उनसे हमेशा बात करता हूँ तो वो भी मुझसे यही बात करते हैं कि जो एग्ज़ीक्यूशन है उस पर ज़्यादा फोकस करो अगर आप सोचो हो कि यॉर्कर डालना हैं तो वो यॉर्कर ही होना चाहिए वो फुल टॉस या हाफ वॉल नहीं होना चाहिए वो बाउंसर होना चाहिए तो शोल्डर पे बाउंसर होना चाहिए लेंथ बॉल होना चाहिए तो एकदम टॉप ऑफ ऑफ पे वो लेंथ बॉल होना चाहिए तो उस तरीके की बात होती मेरी उनसे हमेशा